से है जहाँ प्रिंसिपल और बॉर्डन की लापरवाही से एक छात्रा की जान चली गई, जिसके बाद सभी छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थित एएनएम स्कूल से खबर सामने आई है जहाँ की एक एएनएम छात्रा साक्षी कुमारी की मौत होने से सभी में हड़कंप मच गया है। प्रिंसिपल और वार्डन की लापरवाही से यह घटना बताई जा रही है। इसके बाद वहां पाठन पाठन करने वाली सभी छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच छात्रों ने प्रिंसिपल पर और वहां पर ड्यूटी करने पर तैनात वार्डन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें बताया गया कि वार्डन की लापरवाही और प्रिंसिपल के नहीं होने के कारण एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहलगांव से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। आप जब 9 बजे पहुंचे तो रेफर थे। आपने अपडेट लिया होगा क्या हुआ? मैम आपको बच्चे से भेंट हुआ? मैं इसकी रूममेट को बुलाई जी, आपको क्या हुआ बताओ। तो उन्हें बोला कि मैडम इसको वोमिटिंग जैसा मालूम हो रहा था, दो तीन बार वोमिटिंग की, वो नॉर्मल थी। चलो डॉक्टर के पास, बच्ची लोग बोली को जाना नहीं चाह रही थी, ठीक है। उसके पेरेंट्स को भी फोन किया गया, आपकी बच्ची का तबियत खराब है, आप आइए। कितने बजे मैम? अच्छा ठीक, वो बच्ची के आप बात बता रहे हैं। मैं पूछी तो क्या प्रॉब्लम क्या, क्योंकि मैम इसको बस उल्टी हुआ दो तीन बार और बहुत एक्सेस वो पानी पी रही थी, बहुत ज्यादा पानी पी रही थी। तो फिर उसको डॉक्टर के पास, अगर किसी लड़की को कुछ होता है तो इतना कुछ कह, क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहने वाले प्रिंसिपल वार्डन और यहाँ पे जितने भी टीचर है गार्ड उनकी होगी है, उनको ये रिस्क लेना होगा। क्योंकि अगर हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो ना होगा कि हम लोग सब कुछ हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारी है ये। प्रिंसिपल ने हम लोग को